उनने कि भैया हमें भी तो बता दो। हाँ क्या बात है भाई, कैसे क्या बात भाई महलन में? उनने कि यार तुम्हें बतावा लगी ना है और तुम्हारे कोई बसगी ना है, जाए बात तो मैं अपने यार को बताऊंगा भैया। तुम्हें कैसे बताइए? और वहां से तुम्हें दुर्जन और चलते है जाते हैं ताड़ो जो बढ़ा दो और दूरी कोट में पहुंच जाते हैं। हाँ कर ले गए आज से आएगी तो माही सामरी गई रे जो काब हो ये तो अब यही गए रे हाल ही लौटे आए कहाँ कह रहे कि 12 साल हुआ काट देंगे समझ तो गई रात बात राज तो माही सामरी कह रही है कचहरी में पहुंच जाता तो परस्पर का रोग नहीं यार कल गए और आज वापस आ गए। भाई क्या बात है, अरे क्या मामला हो गया? बुढ़े ने कह रहे हैं बोलने के यार हमारी क्या यार खलल की बोली लागी बोली असी करे गई बापा तोरे दो तकदारे हरिया नांगाराम हरिया सिंह राजा पाके सिरालिया दिया ब्याहे चोना लाइया रे माने चलोगे घर अपने को जाओ फेवगे हरिया लंगरिया तोरे
भगिया पलाय दे पिया लिया जो छूट रे नहाए सुना मेरे बेला नावे की भाई कितनी कहिए अरे जो का बात कही तेने यारी कैसी छूटी आई यारी भैया ना छूट आई जो जन्म जन्म की यारी है और जब हरिनगर को तू नाम ले रहा हुआ तो बेशक जाऊंगा मारो भले जाऊं तो हो राजा और शादी के ताए तैयार है जातु है तो दुर्जन कह रहा गुन्ने की यार तो मैं शहर को बने काय को जाऊंगो और यार तुम अगर मने कर देते तो पगिया अपनी पलट ले जातो तैयारी तुम्हारे वापस ले जातो और मैं अपने शहर को जातो मुझे रानी ने बड़बड़ कर रहे बोल मारे हैं। अच्छा होने के यार क्यों बातें कर रहा है तू जहाँ को कहोगे तहाँ को जाने के तैयार आधी रात तैयार हो। अच्छा तो हम परसमल राजा और माई सामरी से कह रहा है क्या कह रहा है अरे सामारी मोया क्या सामरी माई क्या कह रही है बोलने के बेटा जान फंदा में पड़ जाएगी हरिनगर को नाम मत लीजिए हमने कह रहे हमारी कला भंग है जाएगी जो चलोगे तो जीवित ना लौटे हो हमने के बेटा हरिनगर को नाम मत ले लीजिए बहुत बुरो खबर है Hey!
गार्डन को बने कर आई तो हम अपने शहर को चले जाएंगे। माई सामरी ने कही पल्लो है गई घुमाने को ना, तो अब हमारो राज भंग है जाएगो। और सा हटको हटी जो राजा और हटर ना मानी वो सिड़िया बिहान कहता हूँ वो प्रथम राजा हमसे चलते तो बेटा जा तो रही हो लेकिन होशियारी से रही हो, बहुत बुरो खबर है हरी नगर को। लड़के आज्ञा और प्रथम राजा हमसे चल पड़ो वो चला चल हरी नगर को जा रहा हुआ है। हरिनगर में पहुंच जाता जहाँ का कचहरी और हरि सिंह राजा की जुड़ रही है, वह कचहरी में जो है राजा पहुंच जाता है। अब साहब जब कचहरी चढ़ा रही तो कचहरी में जाके बैठ जात हुआ है। अब वहाँ बैठे बैठे और तीन दिन जो है व्यतीत है गए और वहाँ की बात काबू नहीं आई। पूछी कहाँ से आए हो, कहाँ तुम जा रहे हो, कैसे भाई तुम बैठे हो। जब देखत देखत जब 3 दिन व्यतीत है गए तो परसमल ने कही रहे भैंसो आए तो यहाँ भैंसो कुछ काम के तैयार है लेकिन यहाँ तो कोई भैंसो बात ना कर रहो। जब चौथो दिन लागो तो राजा ने सोची गुन्ने के सारे के टाड़े को ले चलो तो पूत पिछारी करेगो ही सारे से करो। अब गुआ की ताकत आ गई सो गुन्ने साहब जहाँ का राजा को धन रह तो ताको बेड़ो खोल के और धन को लिखार के और बनी को लेके चल पड़ो। अच्छा।
जब बनी को चलो गो तो धड़को वहां चुहा रहा हुआ है। अब चाचा मलिदंगा जो देख रहे होने के बहन जो जो कहा को मलिदंगा आएगा सो राजा को धन सब जाओ बोल के अब उन्होंने कही आगे कह राजा एक मलिदंगा आएगा यानी कहा को तो चाहे धन को सब लेगा क्या कहा रे भाई बहुत गजब भाव। तो राजा हाथी पे चढ़ के और बनी को यो चलो जातु है। अच्छा। तो जहां का परस्मर राजा और धन को चुगा रहा हुआ रोड कमरिया कमरिया बिछा के और आराम से लेट रहा हुआ है। जब राजा पहुंचे तो वहां तो उन्होंने कह रहे भाई तुम्हारो कारण क्या है भाई हमारे धन को तुम ऐसे नहीं चले आए भाई अपना मतलब तो बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसी पड़ी जो धन को लेके आज चले आए। बगर पूछे तो राजा परसमल जो है जवाब और हरि राजा को दे रहा हुआ है कैसे दे रहा हुआ है धन चुकावन को बहुत भारी शौक हो तो धन को लेके हम जो है उस बनी को चले आए भूलने के भाई बताओ फिर क्या काम काज करो तुम भूलने के महाराज हमारे धन को चुकावन को बहुत भारी शौक है भूलने के भाई तो कोई बात बताओ करेंगे तलाखा देंगे लाए रे हरि राजा देवे कहला पूछवावे गुजारा करेंगे तलाखा लेंगे लाए रे हरि जो फ्री में नौकर मिल रहा हुआ ये कारण का है भाई। अरे है भोरा माधव है वो भी तो सुन रहा हूँ ना सुन रहा हूँ भाई ऐसो नौकर का मिल जाओ काम पर है वो पूरो और कहाँ का पा कैसा पाँग कर ले ना है सुनने के भाई तुम्हारो कोई भाई तुम्हारो कोई इंतजाम हाँ इंतजाम तो है महाराज बताओ सुनो चालीस रोटी मैंगो छाकब एक मलैया छाच जाऊ वाले खेला जावे Oh,
जो राजा तुम चले आवे पियावे ना डालो तार जरूर लेखेला तोरे होने के रे बहन जो बगसी तुम ना आए बड़ा अजम माया है। चलो 40 रोटी तो कोई बाहरी ना आए और फिर कोई राजा चढ़ के आवे तो काम दे पर बहन जो इना पे हम ते है गई तो बहन जो हनुमान दे ये बड़ा बहन जो बड़ा मलि दंगा है उन्हें की चलो ठीक है चलो हमें इना पे नहीं करेंगे ही क्यों अब साहब इतनी कह के और राजा ने लिख के और घर आके अपने जो है का 40 रोटी को ऑर्डर दे दो और एक मलैया छाछ।